नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नई सीरीज के बारे में जो कि है इंडियन पेनल कोड से रिलेटेड। यहाँ हम सभी धाराओं को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जितनी भी धाराएं आपको भारतीय दंड संहिता में प्रबंधित हैं जो कहीं के लिखी हुई हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि टोटल 511 धाराएँ हैं आईपीसी में, तो और 23 चैप्टर हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा एक जनरल जो नॉलेज है आईपीसी की वो ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर वन की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि धारा एक से लेकर धारा पाँच तक हम लोग डिस्कस करेंगे कि किससे संबंधित हैं ये धाराएं। सबसे पहले समझते हैं भारतीय दंड संहिता कब आई। तो 1860 में जो है अस्तित्व में इसको लाया गया भारत में, भारतीय दंड संहिता को। ये कहा जाता है कि भारत दंड संहिता जो भारत का भारतीय दंड संहिता है, यह विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। तो ये क्या है, एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। इसमें 23 अध्याय हैं, मतलब इसमें जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, 23 हैं, और 511 सेक्शंस हैं, मतलब धाराएं हैं। वहीं यदि बात करें संविधान में, तो हमारे भारत के संविधान में 22 भाग हैं और इसमें अनुच्छेद 395 हैं टोटल। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में है, इसका मतलब यह पूरे भारत में लागू होता है। मतलब अगर पूरे भारत में कहीं भी आप कोई अपराध करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप अगर जो है आसाम में करेंगे या कहीं और जो है दार्जिलिंग में किया आपने, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उस कानून से बच जाएंगे। भारत में यदि आप रहते हैं, यदि आप भारतीय नागरिक हैं, तो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता लागू होगी, फिर चाहे आप किसी भी भारत के कोने या हिस्से में रह रहे हों। इसका मतलब यही है कि भारतीय दंड संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत में है, चाहे वो राज्य हों, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हों, यूटीज हों, सभी जगह लागू होता है ये। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अध्याय वन में क्या दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता के। तो अध्याय एक में दिया हुआ है प्रस्तावना के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में बात की गई है इसमें सेक्शन वन में। तो सेक्शन वन में प्रस्तावना की बात की गई, आसान शब्दों में कहें तो परिचय दिया गया है, जो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन दिया गया है। अध्याय एक में धारा एक से लेकर पाँच तक के बारे में वर्णन है, मतलब इस अध्याय एक में जो है एक से पाँच तक जो धाराएं हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैंने बताया कि अध्याय एक में आपको प्रस्तावना से संबंधित जो है वर्णन किया गया है संविधान में। तो ये आप समझ गए कि चैप्टर वन किससे रिलेटेड है, इंट्रोडक्शन टू आईपीसी से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कि धारा एक से पाँच के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं धारा एक क्या है। तो धारा एक का कहना है कि संहिता का नाम और उसका विस्तार, इसके बारे में धारा एक बताती है, मतलब टाइटल एंड इट्स एक्सटेंट। ये टाइटल एंड इट्स एक्सटेंट का मतलब कि जो हमारे इंडियन पिनल कोड है, ये इंडियन पिनल कोड का नाम है, उसी को ये धारा एक वर्णित करती है, उसी को परिभाषित करती है कि भारतीय दंड संहिता नाम होगा हमारे दंड संविधान का और यह पूरे भारत में लागू होगा, मतलब इसके टाइटल की और एक्सटेंड मतलब पूरे भारत में लागू होगा, इसकी बात करती है कौन, धारा एक। नेक्स्ट बात करें धारा दो क्या बात करती है। तो धारा दो कहती है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस विद इन इंडिया, यदि आप भारत देश में रह रहे हैं और यहीं पर आप अगर कोई ऑफेंस कर रहे हैं, कोई अपराध कर रहे हैं, तो उसका पनिशमेंट भी भारत के अंदर ही दिया जाएगा, भारत के बाहर किसी और राष्ट्र में नहीं दिया जाएगा, इसका कहने का मतलब ये है सेक्शन टू का। वह यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय वह विदेशी दोनों नागरिक पर यह लागू होता है, चाहे वह आप विदेशी हों, यदि आप अगर मान लीजिए कि आप पाकिस्तान में रहने वाले हैं और आपने किसी भारतीय मूल के नागरिक के साथ कोई जो है अपराध किया, कोई उसको जो है किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस किया आपने, तो आपके ऊपर भी वही आईपीसी की जो धाराएं लागू होंगी जो एक भारतीय नागरिक पर लागू होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बहुचर्चित केस है इस धारा दो से संबंधित, जैसे कि मुबारक अली वर्सेज मुंबई राज केस, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस केस है और सेक्शन टू के अंदर ये केस जो है आया था। इसमें कहा गया था कि मुबारक अली जो है पाकिस्तान के नागरिक होते हैं और आईपीसी 420 के तहत ही अपराधी होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी जो है भारतीय मूल नागरिक से 5 लाख रुपए की जो है नगद राशि का चावल खरीदते हैं। ठीक है, तो जो पैसा होता है 5 लाख रुपए वो ये नहीं चुकाते हैं, उसको ये नहीं भरपाई करते हैं उसकी, और चावल इनसे ले लेते हैं, पाकिस्तान में मंगवा लेते हैं और फिर पैसा इनको नहीं देते हैं अपने वादे अनुसार। तो इन्होंने के इनके ऊपर केस बनता है आईपीसी 420 का। तो अब आप कहेंगे कि ये तो भारत के नहीं है, लेकिन फिर भी इन पे आईपीसी लगाई जा रही है 420 की। तो धारा दो का यही कहना है कि यदि भारतीय राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में यदि अपराध होता है किसी विदेशी मूल नागरिक के द्वारा भी, तो वह भी जो है अपराध माना जाएगा, क्योंकि वह जो ऑफेंस हुआ है वो भारतीय नागरिक के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये धारा दो में दिया हुआ है, इसका केस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुबारक अली वर्सेस मुंबई राज केस।
कोई भी विदेशी जो है किसी भारतीय के साथ धोखाधड़ी करे या कोई भी अपराध करे तो उसको भी सजा हमारे भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही दी जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में यदि कहा जाए तो ये है। धारा 3 में देखें तो इसमें कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि यहाँ हमने बात की थी जो अपराध के दंड होंगे वो भारत में ही दिए जाएंगे, और पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, अगर भारत के परे जो है कोई ऑफेंसेस होते हैं तो उनका दंड किस प्रकार होगा, ये दिया गया है भारत धारा 3 में, सेक्शन 3 में दिया गया हुआ है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि भारतीय सैनिक ने नेपाली नागरिक का मर्डर किया सीमा क्षेत्र पर, तो वह अभी अपराधी माना जाएगा, ये मारा नहीं माना जाएगा, यदि उसने व्यक्तिगत रूप से यह कृत किया है। मतलब मान लीजिए कि कोई भारतीय सैनिक है, ठीक है, इंडियन सोल्जर है, उसने किसी नेपाली सिटीजन का मर्डर कर दिया बॉर्डर एरिया में, तो क्या है वह भी जो है क्या माना जाएगा, वो भी एक्यूज्ड माना जाएगा, वो भी अपराधी माना जाएगा, यदि उसने कि अपनी किसी पर्सनल एनिमिटी के तहत उसका मर्डर किया है तो। ठीक है, अगर उसने ड्यूटी पर रहते हुए किया है इन द सेक ऑफ कंट्री तो फिर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने ड्यूटी के अकॉर्डिंग किया है, लेकिन अगर कोई पर्सनल एनिमिटी थी, कोई पर्सनल दुश्मनी थी तो उसके बेसिस पर इसको क्या है एक्यूज्ड माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें धारा 4 की, तो धारा 4 में बात की गई है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस की, मतलब बाहर भारत के बाहर अगर अपराध होता है उसके बारे में जो है धारा 4 में दिया गया है। उदाहरण के साथ समझते हैं इसको क्या है। मान लीजिए कि कोई भारतीय मूल का रजिस्टर्ड वायु विमान है या फिर किसी अन्य देश के नागरिक को क्षति पहुंचाता है, ठीक है, मान लीजिए कोई भारत इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और वह किसी अन्य देश के, मतलब किसी मान लीजिए कि पाकिस्तान के किसी सिटीजन को क्या करता है हार्म करता है या उसको मार देता है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो कंप्यूटर द्वारा किसी अन्य देश के सिटीजन का अकाउंट हैक कर लेता है या साइबर क्राइम करता है, ठीक है, इस तरीके से यदि कोई अपराध होता है, ठीक है, तो फिर भी वह क्या होगा उनके निवासी के साथ वह भी अपराध होगा। कहने का मतलब कि किसी अन्य राष्ट्र के साथ उनके निवासी के साथ भी वह भी अपराध होगा। मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई मूल नागरिक है, ठीक है, और वो भारतीय नागरिक के साथ क्या करता है साइबर क्राइम करता है, ठीक है, उसका अकाउंट हैक कर लेता है और पैसे उसके अकाउंट से सारे निकाल लेता है, तो वह भी अपराधी कहलाएगा अंडर इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही उसको दंड दिया जाएगा। या फिर इसका उल्टा मान लीजिए वाइस वर्सा कि कोई भारतीय मूल का नागरिक है और वह पाकिस्तान के किसी नागरिक का जो है अकाउंट हैक कर लेता है साइबर क्राइम कर देता है, ठीक है, तो उसको तो किसमें दिया जाएगा धारा इसके तहत दिया जाएगा उसको ऑफेंस विद इन इंडिया धारा 2 के तहत। अब बियॉन्ड इंडिया में धारा 3 की बात की गई है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब कि किसी और अगर भारत के बाहर कोई अपराध होता है तो वह भी जो है अपराधी माना जाएगा, जैसे कि साइबर क्राइम या जो है एयरक्राफ्ट को इंडिया में जो है भेज दिया और उससे काफ़ी लोगों को क्षति हुई हार्म हुआ, तो वह भी जो है इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग ही दंडित किया जाएगा। बात करें धारा 5 की, तो धारा 5 में सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, मतलब कुछ ऐसे कानून हैं जिनको स्पेशल बनाया गया है और वो इंडियन पिनल कानून मतलब भारतीय दंड संहिता को प्रभावित नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे उदाहरण स्वरूप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे समझिए कि आफस्पा जो कानून है मतलब AFSPA जो कानून है जो कि जम्मू कश्मीर में लागू होता है, तो इसका क्या ये क्या है इसका फुल फॉर्म आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोविजन एक्ट, मतलब इसके तहत क्या है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं सैन्य बल हैं इनको एक स्पेशल मतलब विशेष विधि का जो है अधिनियम इनको पावर दी गई है विशेष कि मतलब ये अपने अकॉर्डिंग भी जो है किसी पर भी शक के निगाह पर किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, किसी को भी जो जेल जो है भेज सकते हैं, किसी को भी कारागार जो है भेज सकते हैं आफस्पा कानून के तहत जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं इसका जो है दुरुपयोग भी होता है, लेकिन ये क्या है स्पेशल प्रोविजन है विशेष विधि है जो कि धारा 5 के तहत दी जाती है सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, मतलब कुछ विधियों पर प्रभाव का ना होना, ठीक है, तो इस विधि पर जो है IPC का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे कि एक और उदाहरण है जैसे कि न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये भी क्या है ये हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है लिखा नहीं है हमारे कहीं संविधान में, लेकिन क्या है स्पेशल प्रोविजन इसको कोर्ट ने खुद जो है बनाया हुआ है, ठीक है, तो ये भी क्या है एक तरीके से सर्टेन लॉ नॉट अफेक्टेड बाई दिस एक्ट सेक्शन 5 के अंदर आता है। और जैसे यूपी को का कानून क्या है यूपी को का कानून यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ क्या है कि जो दंड संहिता का जो है भारतीय दंड संहिता है जो उसका प्रभाव इन कानूनों पर नहीं पड़ता है, ठीक है, इनको विशेष तौर पर प्रतिबंधित किया गया है एवं कहें कि बनाया गया है जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। तो आई होप आपको पूरा जो है समझ में आ गया सेशन क्या धारा 1 है क्या धारा 4 है। देखिए इसमें सिंपल ही है, धारा 1 आपको इंट्रोडक्शन बताती है,
टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में कि भारतीय दंड संहिता नाम होगा इसका और संपूर्ण भारत में लागू होगी। धारा 2 कहती है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस होगा विद इन इंडिया, ठीक है, जो ऑफेंस होगा उसको पनिशमेंट विद इन इंडिया दिया जाएगा। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, मतलब बियॉन्ड इंडिया यदि कोई ऑफेंस होता है तो उसमें भी पनिशमेंट मिलेगा इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, मतलब अगर मान लीजिए कोई और टेरिटोरियल से ऑफेंस हो रहा है, भारत के बाहर से किसी क्षेत्र से अपराध हो रहा है, तो वह भी भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग दंडित किया जाएगा। सर्टेन लॉ नॉट टू इफेक्टेड बाय देश, मतलब कुछ ऐसे विधि हैं जो इनमें कि भारतीय दंड संहिता प्रभाव नहीं डाल सकती है, वो धारा 5 में प्रतिबंधित है, जैसे आपस्का कानून, यूपी को का कानून और न्यायालय की अवमानना। तो आई होप आपको क्लियर है धारा 1 से लेकर 5 के बारे में, जो कि अध्याय 1 था आपका भारतीय दंड संहिता का। तो आई होप आपको क्लियर है पूरा ये। यदि लगा आपको कि आपको कुछ जानकारी हासिल हुई है इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता से, तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरीके की वीडियोस को हम हमेशा लाते रहेंगे, जिससे कि आपको भारतीय दंड संहिता के बारे में जानकारी मिलती रहे और आप हमेशा जो है अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।